हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी की क्लास देख रहे हैं और इस ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग बेसिकली लास्ट क्लास में देख रहे थे हम लोग ओशियन फटाफट स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक. बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब. दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली है रिलेटेड विद द ओशियन डिपॉजिट. काफी इंपॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक है जो जनरली स्टूडेंट्स के द्वारा इग्नोर किया जाता है, छोड़ दिया जाता है और बुक्स में भी आपको इसको जनरली बहुत ही छोटे सेक्शन में निपटा दिया जाता है. बट दीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. दोनों ही चीजों में आपको काफी इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ में इसका नाम होता है पिलाजिक डिपॉजिट. ये नाम मैं इस बार इतना ज्यादा इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि इसका डायरेक्टली नाम मेंस में लिया गया था, मेंस एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया था कि डिस्कस द पिलाजिक डिपॉजिट्स. अब इसके बाद से लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि पेलाजिक डिपॉजिट्स होते क्या हैं. बस ओशन डिपॉजिट्स ही तो हैं. अगर यही नाम अगर पता चल जाता है एग्जाम में फटाफट सब लोग लिख दिए होते. तो देखिए जीएस में आपको केवल नाम के साथ में खिलवाड़ किया जाता है और उस खिलवाड़ करने के कारण से आपकी जिंदगी के साथ में आपके एग्जाम के साथ में खिलवाड़ हो जाता है. तो अगेन जो होती है इस तरीके के नाम जरा ध्यान से पढ़ा करिए. और ये जनरली कहां से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा. तो न्यूज़पेपर को थोड़ा समझ के ध्यान से पढ़ा करिए. अगर यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं तो बेसिकली तीन तरीके के डिपॉजिट होते हैं. एक जिसको बोलते हैं हम लोग टेरिजिनस डिपॉजिट या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मड होती है. दूसरी होती है जिसको हम लोग पेलाजिक डिपॉजिट या जिसको हम लोग बोलते हैं ऊज. और तीसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्ले. तो बेसिकली तीन तरीके के मेन डिपॉजिट्स होते हैं. इसको वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए मड जो होते हैं दे आर बेसिकली टेरिजिनस. टेरिजिनस का मतलब कि ये अर्थ के टेरेस्ट्रियल से निकल के आते हैं. टेरेस्ट्रियल से निकल के आने का मतलब ये लैंड से आ रहा है. तो यार डिपॉजिटेड फ्रॉम द लैंड डिपॉजिट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और ये बेसिकली तीन कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन एंड रेड मड. इट डिपेंड ऑन द केमिकल कंटेंट. जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मान लेते हैं कि रेड है. रेड एक चीज कब आएगी, रेड चीज आती है एल्यूमिनियम से या फिर कह लीजिए आयरन से. इन दोनों के कारण से जब भी कोई केमिकल कंटेंट आता है तो वहां पर रेड मड या रेड मतलब कलर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम या फिर आयरन के कारण से होता है. क्लियर हो गया क्या चीज है. ग्रीन कलर क्यों होती है, ग्रीन कलर होती है सल्फर कंटेंट के कारण से. सल्फर कंटेंट जैसे ही आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सल्फाइड यहां पर जमा होनी शुरू हो जाती है तो उसके कारण से ग्रीन कलर आना शुरू हो जाता है. ब्लू कलर क्यों आता है, ब्लू कलर आता है क्रोमियम के कारण से. क्रोमियम का अगर कोई कंपाउंड आकर के यहां पर केमिकल फॉर्मेट में जमा होना शुरू हो जाता है तो अगेन वहां पर भी ब्लू कलर आना शुरू हो जाता है. क्लियर हो गया क्या चीज है. ऊज के बारे में अगर बात करें तो ऊज जो होती है बेसिकली आप लोग एक और ऊट क्लाउड का नाम सुने होंगे. ऊट क्लाउड, ऊट क्लाउड क्या होती है, ये एस्ट्रोनॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आप लोगों को. ऊट क्लाउड होती है डस्ट पार्टिकल. दीज आर डस्ट पार्टिकल विच इज प्रिवेलेंट इन द एटमोस्फियर या फिर कह लीजिए विच इज प्रिवेलेंट एक्चुअली इन द एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम. यूनिवर्स में ये प्रेजेंट है और इधर उधर घूमते रहते हैं और ये ऊट क्लाउड के फॉर्मेट में बने हुए हैं. सेम वैसे ही ऊज होती है. ऊज का मतलब होता है पेलाजिक डिपॉजिट. इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो छोटे छोटे स्केलेटन्स है या डस्ट पार्टिकल है बेसिकली. अब ये डस्ट पार्टिकल किस फॉर्मेट में होंगे, सीधी सी बात है स्केलेटन के ही फॉर्मेट में होंगे. कैल्शियम होगी, सिलिका होगी, इसके फॉर्मेट में ही होंगे. तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऊज. क्लियर हो गया क्या चीज है ऊज. नेक्स्ट है क्ले के फॉर्मेट में. क्ले तो आपको पता है दीज आर द फाइनेस्ट ऑफ द फाइन मटेरियल जो बेसिकली कहां से आ रहा है, वोल्केनिक इलाके से. वोल्केनिक डस्ट के फॉर्मेट में जब एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं रेड क्ले या डिपॉजिट. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या चीज है. इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या है, फटाफट देखते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या है पहले, उसके बाद से हम लोग एक छोटे छोटे टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे क्या चीज है. पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का मतलब ये होता है कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो डीप ओशियन में पाए जाते हैं. डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन बोलते हैं इसको या एक्सप्लॉयटेशन भी बोल सकते हैं इसको. डीप का मतलब यह है कि जनरली हम लोग जब भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे करते हैं. जब भी हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि डीप सी एक्सप्लोरेशन या डीप सी एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कर रहे हैं. यहां पर बेसिकली चीजें क्या पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है सिलिकन पाई जाती है, क्रोमियम पाई जाती है, निकिल पाई जाती है, गोल्ड पाई जाती है, सिल्वर पाई जाती है. तो काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स यहां पर बेसिकली पाई जाती है. साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट है कॉपर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि कॉपर की हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और काफी ज्यादा कॉपर का यूज किया जाता है. यूटेंसिल्स वगैरह में भी यूज किया जाता है.
तो इन सब का जो एक्सप्लोरेशन किया जाता है वो डीप ओशियन में किया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है किसकी मर्जी से, यहां पर देखिए एक बॉडी होती है यूनाइटेड नेशंस की, एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है सी बेड अथॉरिटी। इस सी बेड अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो जमैका में है और यही वो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑथेंटिकेशन टू एक्सप्लोर द डीप सी माइनिंग या डीप सी डीप ओशियन माइनिंग। और इस तरीके से यहां पर कंट्रीज मिल करके, कंट्रीज के साथ में मिल करके इन सारे मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है। और कहां से ऑथेंटिकेट करना होता है, परमिशन कहां से लेनी होती है, सी बेड अथॉरिटी से लेनी होती है। तो सी बेड अथॉरिटी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, सी बेड अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी बेसिकली यूएन की सब्सिडियरी है, इसका हेडक्वार्टर जमैका में है। जमैका कहां पर है, कैरेबियन आइलैंड में, कैरेबियन आइलैंड नॉर्थ अमेरिका। क्लियर, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के बारे में क्लियर हो गया। दीज नोड्यूल्स कंटेन न्यूमरस अमाउंट ऑफ मेटल वेल्थ, दे कैन बी लुक्ड अपॉन अ ह्यूज पोटेंशियल टू बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स, एज अ टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड फॉर हार्नेसिंग दीज वैल्यूएबल मटेरियल। क्लियर, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी डिपॉजिट्स हैं, इनका नाम आप लोग फटाफट देख लीजिए। जैसे सैंड है, सैंड का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, जो यहाँ पर सिलिका के सैंड होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं। पोटेशियम होती है, पोटेशियम भी जो होती है एबंडेंट मिनरल होती है, जैसे सॉल्ट होता है वैसे ही यहाँ पर जो होता है इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली सॉल्ट, सॉल्ट जो होती है वो बिकॉज ऑफ द सेलाइन वाटर यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जो कि अपने आप में ओशियन रिसोर्स है। तो दीज आर केमिकली नोन एज सोडियम क्लोराइड, दीज आर NaCl, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन द ओशियन। सॉल्ट कैन बी ईदर डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड और कुड बी माइन डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट रीजन, तो अलग अलग एरिया में जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सिस्टम होती है। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, ओशनोग्राफी हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक चीज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक को देखेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी में। मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसमें से जो चीजें बची हुई हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में एक कंप्लीशन भी दे दूंगा, मैं बता दूंगा कहां कहां पे क्या क्या डिस्कस किया हूं, ताकि आप लोग उसको जाकर के नोट कर सके, फटाफट कंप्लीट कर सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।